C'est moi, chef. Machine. What is this, chef? This? C'est des abats. C'est okay. Pas le foie. C'est des poches d'œufs. Ok. C'est des poches d'œufs pour le poisson. Ah, c'est bon. गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू न्यू व्लॉग। भाई ब्रेक हो रखा है, खाना खाने आया हूँ मैं। खाने में बियॉन्ड मतलब बीफ वीप ये सब था, तो शेफ़ ने देखा कि मैं खा नहीं रहा, काम में ही लगा हूँ, तो शेफ़ ने भाई अनानास काटा मेरे लिए। यहाँ पे अनानास ही बोलते हैं पाइन एप्पल को, ठीक है? तो अनानास काटा, उसके बाद मैंने इसमें काली मिर्च थोड़ा अपना नमक वमक डाला। शेफ़ कह रही ये क्या कर रहा है, मैंने कहा शेफ़ हमारे यहाँ ऐसे ही खाते हैं। शेफ़ कह रहे भाई इंडियन कुजीन। तो अभी मैंने जो इससे पहले जो शॉट डाला था आपने देखा होगा, उसके अंदर भाई शेफ जो फिश बना रहे हैं वो नई फिश है, मतलब जो नया मेन्यू है उसकी एक और मेन्यू सेटअप हो रहा है। तो मतलब मेरा फिश काटते बनाने का मतलब वीडियो बनाने का कोई वो नहीं था, लेकिन मैं आपको ये दिखाना चाहता था कि देखो उस हालत में भी शेफ़, देखो मैंने आपको दिखाया कि शेफ़ के फ्रैक्चर हो रखा है और उसके बाद भी शेफ़ काम कर रहे हैं यहाँ पे आके। तो भाई मैं सिर्फ वही दिखाना चाहता था, कहीं आपको लोग लगे मैं झूठ बोल रहा हूँ शेफ़ का फ्रैक्चर हो रहा है इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा ये वो, इसलिए मैंने वो वीडियो बना के डाल दी। तो देखना ज़रूर, बताना कैसे लगे। और शेफ़ से भाई बहुत मोटिवेशन मिलती है इन सब चीज़ों में, कि भाई इस हालत में हमारे सर में दर्द होता है हम नहीं आते भाई, शेफ़ सर में दर्द है, थक रहे हैं, नहीं आ पाएंगे। और भाई उस बंदे का पाँव टूटा पड़ा है, वो फिर भी काम कर रहा है, बहुत बड़ी बात है। तभी आज वो एग्जीक्यूटिव है, 31 साल के हैं शेफ, इसलिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। चलो मैं खाना वाना खाता हूँ, उसके बाद घर पे भी बात करनी है, बनाता हूँ थोड़ी देर में। भाई छुट्टी हो गई, आप सोच रहे हो गाड़ी में डायरेक्ट, नहीं ये होटल की गाड़ी है, लुका की नहीं है भाई। मीज़ा प्लस हो चुका है ख़त्म, क्योंकि दिन में बंदे आ गए थे एकदम से, और शाम के मीज़ा प्लस हमने बनाया था और बंदे आ गए दिन में ही, सब कुछ किया। शेफ कह रहे हैं एक काम कर, गाड़ी लेके जा घर जब पे जा सोदा जाके, और उसके बाद आने से आधे घंटे पहले चले जाइए सुपर यू और सामान ले आइए जाके। गाड़ी दे दी है मेरे को घर पे लेके आने के लिए, लाइसेंस होना चाहिए, मतलब होगा तो ऐसे पहुँच गया हूँ भाई। मिलते हैं थोड़ी देर में, कपड़े वपड़े चेंज करके मैं पहले सुपर यू जाऊँगा फिर आके सोऊंगा। मैंने ले लिया अपना लाइसेंस भाई, ये बहुत जरूरी है यहाँ पे, ठीक है? लाइसेंस है भाई मेरे पास, देख लो इंटरनेशनल। ये हाथ जल गया थोड़ा सा, इसको गौर मत करना, ठीक है? इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, क्या प्रोसेस होता है, कैसे बनता है, ठीक है? क्या क्या चीज़ होती है इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल मैं देर ना करते हुए जाता हूँ सुपर यू, क्योंकि मैं आके वापस सोना भी है, और उसके बाद देखते हैं। मैं अकेला जा रहा हूँ, कोई यार दोस्त नहीं है मेरे साथ, मुँह हो रहा है काला भाई, क्योंकि काम क्या है होटल में, देखो किचन लाइन में ना, चाहे आप कौन से विदेश में आ जाओ, जो घूमने फिरने आते हैं जो सर्विस में होंगे ना भाई, उनका रंग साफ होता है, किचन वालों का साफ नहीं होता कभी भी। तो ये मेरी मेहनत की निशानी है, ठीक है ना काला? चलो मिलते हैं भाई थोड़ी देर में, रास्ते में बना लूँगा व्लॉग अगर हो पाएगा तो, देखते हैं कुछ ना कुछ। वैसे तो सुपर यू आप बहुत बार देख चुके हो, लेकिन आज मेरे को है ना यहाँ पे आने के बाद एक चीज़ नोटिस करी कि आज बहुत सारा सामान आया है। और दूसरी चीज़ है ना, पता क्या होता है, मैं हर बार आता हूँ सुपर यू पर एक चीज़ भूल जाता हूँ, मैं ना अब इंडिया के प्राइस से और यहाँ के प्राइस से कन्वर्ट करूँगा कि कितना फ़र्क है, ठीक है? जब मैं अगली बार आऊँगा घर का सामान लेने तब पक्का ये सब करूँगा। और दूसरी बात, मैं ना आपको सिर्फ बोल के नहीं बताऊँगा, जब मैं वीडियो आप देखोगे ना उसके नीचे आपको लिखा भी आएगा प्राइस इंडिया का और अपना फ्रांस में जो है उसका। तो मैं यही सोच रहा हूँ फटाफट यही सब करूँगा। अभी तो मैं सब्ज़ी के काउंटर पर आ गया हूँ, सब्ज़ियाँ लेनी है मेरे को होटल के लिए, वो लेके और मैं फटाफट निकलता हूँ। और आज आया बहुत सारा सामान, आप देख रहे हो पूरा भरा हुआ है आज, तो ये फटाफट कंप्लीट करके अपना काम और उसके बाद निकलता हूँ मैं, ठीक है? ये सच में कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, या हो भी सकता है भाई। देखो मेरे को सामान आज भी वही लेना था और आज भी वो मिस है, और मैंने उन्हीं मैडम को बुलाया और मैंने कहा मैडम जस्ते यहाँ जस्ते यहाँ से बो से बो से बो से बगा मैसेज
भाई मैंने उनको बोला कि मेरे को चाहिए तो नहीं हो पाया, पर एक उनने अरेंज कर दिया कहीं ना कहीं से। अब मैं शेफ़ को फ़ोन करके बोलूँगा, शेफ एक ही है, ज़्यादा नहीं मिले मेरे को, तो मैं लेके आऊँ या फिर आगे जाऊँ डिजोन जाऊँ, तो मैं पूछना पड़ेगा शेफ से, और मैं पूछ के उसके बाद जाऊँगा आगे। ठीक है चलो। तो आ गया भाई गाड़ी के पास सामान लेके, अरेंज हो गया सामान, उन्होंने मेरे को बोल दिया चलो भाई थैंक गॉड मेरे को अब नींद मिल जाएगी, मेरे को सो जाऊँगा आराम से। मैं गया उसी औरत के पास आज दोबारा, फिर मैंने आज मैं वैसे भी सेल में हूँ, मतलब घर के कैजुअल पहन रखा है मैंने, तो मैंने कहा वो हुआ था, उनने मेरे को पहचान लिया कह रही हो, तो उसके बाद बोला कार्ड क्या, नो 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 इज़ गुड इज़ गुड, उसने बाद बस होटल का कार्ड दिया मैंने, उन्हें मेरे आँख में क्या लग गया यार ये, तो मैंने सामान लग गया भैया, तो मैंने उनको बोला कि मैं कार्ड दूँ, उन्होंने बोला नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है आप जाओ, मैंने लिया उसके बाद मैं आ गया। ठीक है चलो मैं घर जा रहा हूँ भाई फटाफट, पहले होटल जाऊँगा, होटल में जाके सामान रखूँगा फिर जाऊँगा घर। बाय बाय सुपर यू। गाड़ी होटल पे खड़ी करके और सामान रख के होटल पे भाई आ गया हूँ, शेफ़ ने बोलता गाड़ी घर पे ले जा, कोई नहीं आराम से चले जा, बहुत टाइम हो चुका है। तो शेफ़ ओसामा जा रहे थे, मतलब जो मेरे शू शेफ़ उन्होंने बोला चल मैं घर छोड़ देता हूँ, गाड़ी यहीं रख दे होटल में कोई नहीं, तो भाई ये भी अच्छी बात है, तो शेफ़ ने मेरे को यहाँ पे छोड़ दिया। और नई बात पता चली, नई बात आपको बताता हूँ, मेरे को तो पिछले सालों से पता है, सालों से मतलब पिछले साल से पता है, मैं कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं बोलूँगा भाई, अभी जैसे मैं सोऊँगा और उसके बाद उठूँगा तो मैं एक घंटे पहले उठ जाऊँगा, समझे नहीं समझे तो मैं बताता हूँ भाई, अब इंडिया से हमारा टाइम एक घंटा कम हो जाएगा, जैसे अभी 4.5-5 घंटे का जैसे फ़र्क है, फिर 3-4 घंटे का फ़र्क हो जाएगा, तो भाई अच्छी बात है, मैं अपने घर वालों से बात कर लिया करूँगा, ज़्यादा रात नहीं हुआ करेगी वहाँ पे, तो अब टाइम का जो डिफरेंस है वो कम हो जाएगा, क्योंकि समर अब हो जाएगा स्टार्ट, विंटर हो चुका है ख़त्म, अब हो जाएगा समर स्टार्ट। आप बोलोगे कि समर स्टार्ट तो उन्होंने बोला था कि स्नोफॉल होगी, तो स्नोफॉल भी होगी भाई, लेकिन इसको समर ही, अब समर में ही आएगा ये वाला, अब जो महीना हो जाता है समर में स्टार्ट हो जाएगा, और अब टाइम का हो जाएगा फ़र्क, अब 4 बजे के बाद से, अभी हो रहे हैं टाइम 3:30 हो रहे हैं, आधे घंटे बाद से टाइम जो पूरी ग्लोब है, मतलब कनाडा का, इंडिया का, कनाडा का और मतलब फ्रांस का, इंडिया का, यूरोप से इंडिया का, पाकिस्तान इंडिया का, मतलब जितने भी देश हैं अपने अपने देशों के, सबके टाइम अप हो जाएंगे चेंज। ठीक है, जैसे 4.5-5 घंटे का जहाँ पर फ़र्क होता है, कहीं 12 घंटे का फ़र्क होता है, वहाँ 1-1.5-2-2 घंटे का फ़र्क होने लग जाएगा अब, तो ये चीज़ आपको नहीं पता चली, अगर किसी को पता होगा तो भाई अच्छी बात है, जिसको नहीं पता होगा उसको मैंने बता दिया है, कोई बड़ा ज्ञान नहीं दिया है, पर जितना भी दिया है ज्ञान लेना चाहिए हर जगह से। ठीक है, तो अब मेरे पास टाइम है थोड़ा सा कम सोने का, तो पर मैं सोऊंगा, और पूजा मैं सोच रहा हूँ शाम को जब आऊँगा रात को नहा के फिर करूँगा, अभी मेरे को पूरी नींद चाहिए भाई, नैप चाहिए, पूरा घर पर भी बात नहीं करूँगा मैं, डायरेक्ट सोऊंगा। अब आप लोग बताना भाई एडिटिंग जो मैंने आजकल नया ऐप डाउनलोड किया है उसमें एडिट कर रहा हूँ मैं, क्योंकि नया हूँ भाई मेरे को नहीं पता, जैसे थोड़ी बहुत हो रही है वो मैं कर रहा हूँ, उसको देखो धीरे धीरे उसमें सीखूंगा और उसके बाद एडिटिंग करूंगा। ठीक है भाई, हुड मत देखो ज़्यादा, मस्त लग रहा है मेरे को पता है, मैं शकल पे अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि अभी शकल हो रही है बहुत गंदी, नहा धो के कभी पहनूंगा तब अच्छा लगेगा, अभी बिना नहाए पहन लिया मैंने, आज पहली बार पहना है। चलो मिलते हैं भाई थोड़ी देर में, नहा धो के सो के और उसके बाद जाएंगे होटल। डैंड्रफ हो गया यार सर, मैं इसका इलाज बाद में करेंगे, अभी इतना फैशन नहीं दिखाना। चलो मिलते हैं थोड़ी देर में, आइए भाई होटल में वापस। आप लोगों को नहीं बताया मैंने उस टाइम कि मैं निकल रहा हूँ, ये वो लंबी वीडियो होती है फालतू में, फालतू की जिस रोज़ का वो बताना कोई ठीक नहीं। होटल पहुँच गया हूँ, होटल के अंदर कोई शॉट मिलेगा तो लूँगा, शेफ ने मेरे को 5:30 बुलाया था, मैं 5 बजे ही आ गया हूँ, मेरे को नींद नहीं आ रही थी, तो क्योंकि फिर यार शाम को काम नहीं होता अगर मैं सो जाता तो, चक्कर में मैं आ गया जल्दी। ये देख पावला बैठा है, हाँ सो चाहिए तो मिस जबा। चलो भाई आप अपना मीजा प्लस सेट करते हैं, उसके बाद करना शुरू करते हैं काम, मिलते हैं थोड़ी देर में। तो भाई अपना काम हो गया फिनिश, हम जा रहे हैं घर की तरफ। मैं हंस इसलिए रहा हूँ कि छुट्टी होगी इसलिए नहीं, क्योंकि मेरे को मिला है आज बहुत मस्त वाला गिफ्ट, मैं आपको अभी नीचे जाके दिखाता हूँ गिफ्ट क्या है, मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ, तो नीचे जाके बताता हूँ, अभी नहीं बताऊँगा, 2 मिनट वेट करो। देख तो वैसे भी आप आगे स्किप करके लोगे, तुम्हारा क्या बिगड़ेगा, बिगड़ता मेरा भाई व्यूज़ नहीं बढ़ते जब टाइम बादशाह पूरे नहीं होते, अभी जाके दिखाता हूँ मैं, चला दे जल्दी। 2 मिनट मेरे को स्किप कर देनी चाहिए थी वीडियो वैसे, पर कोई फ़ायदा नहीं है, वो है आपको ऐसे नहीं दिखेगा बैक कैमरा करके। भाई ये जादू वाला स्कूटर, ठीक है आप कहोगे तो स्टेफनी का है, तो भाई स्टेफनी ने घर ले लिया होटल के बिल्कुल सामने, ये इसको किसी काम का नहीं है, तो उसने मेरे को बोला भाई ये अब तू रख, तू ही चलाया कर, तू अपने पास रख, जहाँ जाना है वहाँ जा भाई, से डिजोन तक जा सकते हैं,
मतलब इसकी लिमिट है 60 किलोमीटर तक की एक बार चार्ज करने पर। बढ़िया है भाई, और बैटरी वाला है, कोई पैर वैर का सौदा नहीं है, आराम से चलाओ, सब कुछ है तगड़ा। अब मैं इसे फ़ोन का और कनेक्ट करूँगा जिससे मैं फ़ोन को पकड़ के भी व्लॉग बना सकूँ। तो वही चीज़ मिली है, चार्जर वार्जर इसने सब कुछ दे दिया मेरे को, अडेप्टर। अब मैं निकलता हूँ इसको लेके, ठीक है, मिलते हैं थोड़ी देर में। मज़ा आ गया भाई, मस्त भागता है, 25-26 की है इसकी टॉप स्पीड, 30 भी चला जाता है अगर थोड़ी ढलान होती है तो। मज़ा आ गया भाई, मस्त लग रहा है ना भाई। क्या गिफ्ट दिया है स्टेफनी ने? अच्छा, हाँ, उसके पास था, पर उसका घर अब पास में है ना वहाँ पे, तो उसने मेरे को दे दिया, करे भाई तू लेके जाएगा। बढ़िया, चार्जिंग दे रहा, चार्जर दे रखा था मेरा। चलो भैया, अब तेरा भाई 10 मिनट लेट निकला करेगा, निकलूंगा। भाई खाना वाना खा लिया, चावल खाए हैं अभी थोड़ी देर में, थोड़ी देर पहले पूजा वूजा कर ली मैंने, देखो। तो अब मैं सुबह में को ब्रंच पे जाना, पर अभी मेरा पेट ढंग से भरा नहीं है, क्योंकि चावल मैं रात को इतने खाता नहीं हूँ, वैसे भी मेरे घर वालों को भी पता मैं चावल नहीं खाता। तो मैं बना रहा हूँ कॉफ़ी पहले अपने को, ये मैं सुपर यू से लेके आया था, ये एक तरह से बॉर्नविटा समझ लो या कुछ भी, नेस्क्विक है, नेस्ले का आया, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है वैसे, ओरिजिनल लिखा है फ्रेंड्स, लेकिन पता नहीं कैसा है, मतलब फर्स्ट टाइम यूज़ करता हूँ, मतलब पिया मैंने एक बार भैया के साथ पिया, भैया पीते हैं वैसे इसको, स्वराज भाई, पर मैं कर रहा हूँ पहली बार इसको यूज़, और मैं देख के बताता हूँ कैसा है, कैसा है, मतलब पीने में। ये बना लिया, इसका प्राइस भाई इस पर तो लिखा नहीं, मतलब फ्रांस में तो लिखा नहीं होता किसी भी जगह पर प्राइस कितना होता है, पर मेरे को याद है जहाँ तक मैंने लिया था ये 2 यूरो का, 2 यूरो का है। और भाई ये फुल क्रीम दूध जैसे बॉक्स में आता है, उसको करके और सीधा मैं डालूंगा ओवन के अंदर 1 मिनट 30 सेकंड, उसके बाद ये बन के हो जाएगा रेडी, फिर मैं इसको पीऊँगा। गैस पे करने का टाइम नहीं है, मैं बर्तन वर्तन धोने पड़ेंगे, तो चक्कर में आप फटाफट पी के करते हैं। तो भाई अपना वो नेस्कैफे लेके आ गया हूँ ऊपर, ठीक है, उसका नाम नेस्कैफे, वैसे कॉफ़ी होती है नेस्कैफे के नाम से, पर इसका नाम है तो नेस्क्विक, पादो सॉरी नेस्क्विक। तो भाई वो मैंने बना लिया, ऊपर आ गया हूँ, तो अब मैं आपको बताता हूँ मेन चीज़, मैं ना वीडियो वैसे एंड करने वाला था लेकिन, पर ये वीडियो मैं अभी एंड करूँगा, और मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, वो एंड करने के बाद मैं कल वाली वीडियो में जो मैं बनाऊँगा उसके साथ एडिट जब मैं करूँगा तो उसमें वो आपको मेंशन करके दूंगा कि आपको ना लगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, ठीक है भाई। बात है ऐसी, आज मेरे शेफ बहुत खुश हो गए, जिनका पैर टूटा हुआ एग्जीक्यूटिव, उनने बोला कि जो मैंने सिखाया था इस लड़के को वो ये पूरा हो चुका है आज के दिन। वो हुआ कैसे मैं आपको बताता हूँ भाई, इतने दिनों से जो नई डिश बन रही है आप लोगों को पता है मैं जिस चक्कर में वीडियो नहीं बना रहा था, जो मैंने बना के दी है शेफ को, मतलब आज बनी वो, और आज उसका पहला टेस्टिंग था गेस्ट के सामने, अब तक हम खा रहे थे क्योंकि हम बिल्कुल श्योर नहीं थे कि वो ठीक होगी या नहीं, कैसी होगी फलाना ढिकना। आज के दिन उसकी टेस्टिंग थी, गेस्ट खाने वाले थे, आज वो मेन्यू में चढ़ गई थी डिश, आज गेस्ट ने मंगाई, और पहले गेस्ट ने भाई झूठ नहीं कह रहा, पहले गेस्ट ने ही जब वो खा के वापस भेजी, तो भाई जो सर्विस में जो बंदे थे वो लेके आए उसको, और उसमें गेस्ट ने दिल बना रखा था भाई, मतलब पूरी ख़त्म करके, जो लास्ट में जो मेयोनीज जो उसका नीचे जो कर्व जो लास्ट में जो वो था ना बेस, उसमें जो थोड़ी बहुत जो मेयोनीज बची हुई थी उससे अपनी उंगलियों से दिल बनाया कि बहुत अच्छा है, और गेस्ट ने वो शेफ के पास भेजी कि मैं मतलब ये खाना कभी खाया ही नहीं ऐसा भाई, बनाया मतलब सिखाया शेफ ने था, करा मैंने, ठीक है। तो भाई इससे बड़ी अचीवमेंट कुछ नहीं हो सकती, गेस्ट ने फोटो खींच के स्टेटस पे डाला, और मेरे एग्जीक्यूटिव शेफ़ ने बोला आज सबके सामने ये बात, और मेरे एग्जीक्यूटिव शेफ़ ने वो स्टोरी डाली है इंस्टाग्राम के ऊपर, मैं वो स्टोरी भी आपको साइड में दिखा दूंगा, स्टोरी डाली है, दूसरी बात मैंने भी फिर वो स्टोरी डाली है, जो मेरे इंस्टाग्राम पे वो जाके देख सकता है कि मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाल रखी है, मेरे शेफ़ ने मेरे को मेंशन कर रखा है उसके अंदर, और हमारे होटल को मेंशन कर रखा है, जो होटल का जो मैनेजर है उसको मेंशन कर रखा है, और जो मेरे शू शेफ़ है उनको मेंशन कर रखा है, आप जाके जरूर देखना भाई। इससे बड़ी अचीवमेंट मेरे लिए सच में कुछ नहीं हो सकती, कभी भी नहीं हो सकती भाई, बहुत बड़ी अचीवमेंट है मेरे लिए कि एक गेस्ट जो पहले दिन, ऐसा नहीं हो सकता कि 15-20 दिन से या 15-20 सालों से या महीनों से मैं इस चीज़ को बना रहा हूँ और आज जाके मेरे को मतलब इस पर हाथ बैठ गया और गेस्ट ने तारीफ करी, पहले दिन पहला टेस्ट, और मतलब भाई टचवुड मेरे भगवान मेरे साथ है, और मेरे मम्मी पापा का आशीर्वाद है, मेरे मौसी चाचू का आशीर्वाद है, सबका मतलब मेरे पूरी फैमिली का मेरे साथ आशीर्वाद है भाई। तो इस चक्कर में भाई ये चीज़ हुई है, ठीक है, इस वीडियो को ज़्यादा बड़ी नहीं करूँगा कि आप लोग सोचोगे मैं क्यों इतना वो कर रहा हूँ, लेकिन भाई मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मैंने सबसे पहले अपने पापा को मैसेज किया, और मेरे पापा ने अभी तक मतलब सो रहे हैं वो लोग, पर वो जब देखेंगे तो वो भी बहुत खुश हो जाएंगे ये देख के, सच में बहुत बड़ी अचीवमेंट है भाई। चलो
मैं आपको कल दिखाऊंगा वो चीज़, और जो मेरे इंस्टाग्राम पे वो जाके देख सकते हैं स्टोरी मेरी। तो मिलते हैं कल एक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।